हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा वहाँ पर महेश्वर धाम है, जो कि काफी धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। तो इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंग और महेश्वर के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, कैसे आप घूम सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हो, क्या आपका टूर प्लान यानी आइटनरी क्या होगा और बजट क्या होगा, वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। सबसे पहला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महाकालेश्वर जो है वो तीसरा ज्योतिर्लिंग है और सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, कालों के काल महाकाल। और जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ओमकारेश्वर जो है वो चौथा ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आता है महेश्वर, जो मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खारगोन सिटी है, वहां पर ही स्थित है, जो कि होलकर डांस सिटी का दूसरा कैपिटल। उज्जैन की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि उज्जैन वो पवित्र स्थल है जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में ऐसे चार पवित्र स्थल है जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो चार पवित्र स्थल कहां कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले है हरिद्वार, जो कि है उत्तराखंड में। उसके बाद है प्रयागराज, जो कि यूपी में। उसके बाद है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। और चौथा है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो अभी मैं आपको डे वाइज आइटनरी यानी कि टूर प्लान बताता हूँ कि डे वन, डे टू, डे थ्री को आपको कैसे कैसे क्या प्लान करना है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं उज्जैन से। तो आप कहीं भी रहते हो, आपको आ जाना है उज्जैन। उज्जैन में रेलवे स्टेशन है और काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। हमारे देश के मेजर सिटीज से आपको डायरेक्टली उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो इंदौर में एयरपोर्ट है और इंदौर से उज्जैन का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और जो सराउंडिंग स्टेट है मध्य प्रदेश के, वहां से आपको डायरेक्टली बस भी मिल जाएगा इंदौर के लिए या फिर उज्जैन के लिए। तो डे वन को आप उज्जैन पहुंच गए हो मॉर्निंग में और आपने होटल भी ले लिया है। तो उज्जैन में आपको हर एक टाइप के होटल मिल जाएंगे, सस्ते महंगे। आपको धर्मशाला भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको भक्ति निवास भी मिल जाएगा उज्जैन में। नॉर्मली आपको 1000 से 1500 में एक अच्छा होटल मिल जाएगा। इससे पहले हम जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो महाकाल के दर्शन करने के लिए टोटल तीन तरीके। एक तो फ्री दर्शन, जिसमें आपका 2 से 3 घंटा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन आते हो। वीकडे में आपका 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटे में भी हो जाएगा। और वीकेंड में आपका 3 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे के आसपास लग जाएगा। दूसरा है वो है VIP पास। तो 250 रुपये का VIP पास मिलता है और VIP पास लेने के बाद आपका 15-20 मिनट या हार्डली आधे घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। तीसरा है 750 रुपये का मिलता है, जहां पर आपको ज्योतिर्लिंग के पास एकदम जाके दर्शन करने को मिलता है। यानी कि आपको गर्भगृह में जाने को मिलता है, बट वहां पे जाने के लिए आपको मेल जो है उनको धोती यानी कि लुंगी पहनना पड़ता है और जो फीमेल है उनको साड़ी पहनना पड़ता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। तो ये हमारे भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी सती का एल्बो यानी कि कोहनी गिरा था। और हरसिद्धि शक्तिपीठ है वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी, तो उनको मानते थे। तो यहाँ पर आप जरूर दर्शन करना। और रात को ना यहाँ पर 2 दीप स्तंभ है, जो रात को लाइटिंग करते हैं ना, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो ऊपर चढ़ते हैं और लाइटिंग कर करके नीचे उतरते हैं ना, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। वो आप जरूर देखना, उसको मिस मत करना। उसके बाद हम जाएंगे विक्रमादित्य मंदिर। तो जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, तो आप जाइए देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, फोटो लीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑटो बुक करना है। ऑटो वालों आपको पूरा आसपास की जो भी प्लेसेस है, जो 4-5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस है, वो सब घुमा देगा। और ऑटो वाला आपसे हार्डली 500 या 600 रुपये लेगा, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो जिस तरीके से महाकाल उज्जैन के राजा है, तो काल भैरव उज्जैन के सेनापति है। उज्जैन का काल भैरव का जो मंदिर है, एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर शराब चढ़ती है काल भैरव को। तो यहाँ पर आपको शराब की दुकान दिख जाएगी, जहाँ से आप शराब ले सकते हो और चढ़ा सकते हो। तो एक महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद हम जाएंगे भरत हरि केव। यहाँ पर टोटल 2 केव है, वो अंडरग्राउंड है, तो आपको नीचे जाना पड़ता है। अंदर बहुत अंधेरा रहता है, बीच बीच में लाइटिंग चालू है। और जो पहला केव है ना, वहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर बाबा बैठे रहते हैं, कि वो रास्ता निकलता है 4 धाम यानी बद्रीनाथ की तरफ, बद्रीनाथ को निकलता है, तो ऐसा बोलते हैं, बट वो रास्ता भी बंद हो चुका है। उसके बाद दूसरा केव है, तो दूसरा केव का भी आप जा सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे गढ़ कालिका देवी मंदिर देखने के लिए। तो ये भी शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर
माँ सती के होंठ गिरे थे। उसके बाद हम जाएंगे मंगलनाथ मंदिर देखने के लिए। मंगल भगवान के काफी मतलब रेयर मंदिर है, शायद ये एकमात्र मंदिर है। तो आप यहाँ पर जाइए मंगलनाथ मंदिर के, मंगल भगवान जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद हम जाएंगे ऋषि संदीपनी आश्रम। तो ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण भगवान जी की 64 कलाएं है वो, जो यहाँ पर पेंटिंग बना बना कर दिखाई गई है, वो भी आप देखना, आपको काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा, आप चली जाइए सीधा राम घाट की तरफ और यहाँ पर आरती होती वो आप देख सकते हो। और उसके बाद आप जा सकते हो महाकाल लोक। तो महाकाल जो कॉरिडोर बनाया है वो काफी अच्छा रहता है देखने के लिए, काफी मस्त एक्सपीरियंस है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है भगवान की, तो देख के आपको काफी अच्छा लगेगा, बहुत सारे आप फोटो ले सकते हैं यहाँ। इसी के साथ आपका डे वन खत्म हो जाएगा। अब डे टू को हम जाएंगे उज्जैन से ओमकारेश्वर सुबह सुबह। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर है और आपको बसेस मिल जाएगी, बहुत सारे एजेंट होते हैं वो बुक करके दे देंगे आपको। इसके अलावा आप चाहे तो शेयरिंग जीप से भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो डिस्टेंस 140 किलोमीटर है तो लगभग आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 12 बजे के आसपास ओमकारेश्वर पहुँच गए हो। ओमकारेश्वर जो है हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है और नर्मदा नदी के किनारे ये ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है। तो यहाँ भी आपका 2 से 3 घंटा लग जाएगा और डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन आ रहे हो, कौन से टाइम पे आ रहे हो। तो दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर के, ओमकार बोलिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको ममलेश्वर मंदिर का दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा कहते हैं कि ममलेश्वर मंदिर का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपका ओमकारेश्वर का दर्शन जो अधूरा है। तो ममलेश्वर मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए, आपका जल्दी से दर्शन हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं रहती है, मैं जब गया था तो मेरा हार्डली 5-10 मिनट में दर्शन हो गया था ममलेश्वर में। उसके बाद नर्मदा नदी है, वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। अभी बोटिंग आपको कितना टाइम करना है उसके हिसाब से बोटिंग के चार्जेस हो सकते हो। बोटिंग से आपको वहाँ पर एक घाट है वो दिखाए जाएंगे, फिर वहाँ पर एक डैम है, डैम का व्यू पॉइंट है वहाँ भी आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर ओम पर्वत, तो ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ओम पर्वत पर है, तो ओम पर्वत की परिक्रमा होती है तो आप कर सकते हो। तो परिक्रमा करते टाइम आपको बहुत सारे पॉइंट और मंदिर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा संगम पॉइंट है, वहाँ पर 2 नदी का संगम होता है, एक है अपनी नर्मदा नदी और दूसरी है कावेरी नदी, वो नदी का संगम होता है वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मंदिर मिलेगा सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर ना 7 फीट का शिवलिंग है जो बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, तो आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटे हुए हनुमान जी दिखाई देंगे, लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर है वो भी आप देख सकते हो। हनुमान जी वहाँ पर आपको लेटे हुए उनकी प्रतिमा बनाई गई है, तो देख के काफ़ी आपको मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर शंकर भगवान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई है, बहुत बड़ी प्रतिमा है मतलब, तो वो भी आप देख सकते हो और बहुत सारे फोटो खींच सकते हो। तो इसी के साथ आपका ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के आसपास की जो जगह है घूमने की वो सब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका डे टू खत्म हो जाएगा, आप होटल ले लीजिए। ओमकारेश्वर में भी आपको होटल मिल जाएंगे सस्ते दाम पे, धर्मशाला भी मिल जाएगा और अच्छे बजट होटल भी मिल जाएंगे, महंगे होटल भी मिल जाएंगे, होटल लीजिए और रात को आराम कीजिए। डे थ्री को हम जाएंगे ओमकारेश्वर से महेश्वर। तो ओमकारेश्वर से महेश्वर का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है और आपको बसेस इजिली मिल जाएगी। तो महेश्वर जो है ना वो होलकर डायनेस्टी का 2nd कैपिटल है, पहला जो है वो है इंदौर, ये दूसरा कैपिटल है। और महेश्वर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको थोड़ा वाराणसी का जो घाट है उसके ऐसा दिखाई देगा। और ये जगह को आपने बहुत सारी मूवी में देखा रहेगा, ये यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। तो कुछ मूवी के नाम मैं आपको बताता हूँ, एक है पैडमैन शिवकुमार की मूवी जिसमें अपनी वाइफ को बिठा के साइकिल पे से जाता है, वो भी सीन यहाँ पर शूट किया गया है। फिर यहाँ पर दबंग मूवी की शूटिंग हुई है, फिर मनी करने का मूवी जो कंगना रनौत की है, और बहुत सारे सीरियल्स की भी शूटिंग हो चुकी है इस जगह पे। तो महेश्वर में आप कौन कौन सी जगह देख सकते हो, तो यहाँ पर है नर्मदा घाट जिसे अहिल्या घाट भी बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप नर्मदा नदी में बोटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जाके फोर्ट के अंदर, तो जो फोर्ट है उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मंदिर देखने को मिलेगा और जो राजवाड़ा है वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है आपका, लगभग 1 घंटा चला जाएगा पूरा मंदिर और फोर्ट पूरा घूमने में। उसके बाद यहाँ पर सहस्त्रधारा करके एक जगह है, तो नर्मदा नदी है ना आगे जाके सहस्त्रधाराएं, सहस्त्रधारा का मतलब होता है 1000 धाराएं। तो नर्मदा नदी आगे जाके बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो आप देख सकते हो। अगर आप बाय रोड जाते हो तो आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर आप खुद की गाड़ी से आए तो बाय रोड ही जाओ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हो तो वहाँ पर आपको बोट मिलता है, बोट आपको बाय बोट भी आप जा सकते हो सहस्त्रधारा। तो बोट से आप जाओगे तो आपको 3 किलोमीटर कुछ है, और बोट वाला आपसे शायद 50 रुपये 100 रुपये लेगा पर पर्सन, वो डिपेंड करता है
उसके ऊपर। और महेश्वर विजिट करना है तो प्लीज़ प्लीज़ आप पीक मानसून में ना आए, विंटर में आए, विंटर बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। और इसी के साथ आपका डे 3 ख़त्म। तो मैंने आपको डे वाइज आइटिनरी बताया, टूर प्लान बताया, अभी मैं आपको डे वाइज बजट बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा उज्जैन, उज्जैन में हमारा क्या क्या खर्चा होगा। बजट में 3 इंक्लूड है, एक ट्रांसपोर्ट का है और एक फूड का है और एक होटल का है। तो उज्जैन में आपका होटल मेरे हिसाब से 700-800 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, अगर आप सोलो आ रहे हो तो उसके हिसाब से मैं आप बजट बताता हूँ। अगर आप दो लोग हो तो आपका बजट तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सोलो ट्रैवलर के हिसाब से बता देता हूँ। तो एक नॉर्मल सा होटल आपको 700-800 रुपये मिल जाएगा। मैं 800 रुपये होटल का पकड़ लेता हूँ, तो होटल का 800। उसके बाद वहाँ पर जो आप घूमने वाले हो ऑटो रिक्शा करके, तो उसका होता है 500 रुपया, तो 500 रुपया घूमने का। उसके अलावा आपका फूड का एक दिन में आपका खर्चा जाएगा लगभग 400 से 500 रुपया, तो मैं 500 रुपया फूड का भी पकड़ लेता हूँ। ये टोटल पूरा खर्चा है एक दिन का। तो अभी बात करते हैं कि आपका डे 2 में कितना खर्चा जाएगा। सबसे पहले आप उज्जैन से जाओगे ओमकारेश्वर, तो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर। तो अगर आप बाय बस जाते हो तो बस का लगभग 300 रुपये लगता है, 300 रुपये मान के चलता हूँ। अगर आप शेयरिंग गाड़ी से भी जाते हो तो उसका भी कुछ 350 या 400 लगता है। तो मैं 300 रुपये पकड़ लेता हूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने का। उसके बाद फिर आप ओमकारेश्वर में होटल लोगे, फिर से होटल का आपका जाएगा 700 to 800 रुपीज़। मैं 800 रुपीज़ पकड़ लेता हूँ। और पूरे दिन आपका फूड का एक दिन का ओमकारेश्वर में जाएगा 500 रुपया। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप बोटिंग करते हो तो बोटिंग का मैं पर पर्सन 150 रुपया पकड़ लेता हूँ। तो ये टोटल कॉस्ट है पूरा आपका डे 2 का। तो अब बात करते हैं डे 3 की। ओमकारेश्वर से आप जाओगे महेश्वर, तो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर। और बस का मेरे ख्याल से आपका मैक्स 150 रुपया जाएगा, मैं 150 रुपया पकड़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप महेश्वर में घूमोगे, तो घूमना तो वहाँ पर फ्री है। वहाँ पे बोटिंग करोगे, मतलब 100 से ज़्यादा जाओगे अगर आप बोट से, तो आने जाने का मैं 100-150 रुपये पकड़ लेता हूँ बोटिंग का। और आपका एक दिन का फिर से पूरा खाने का जाएगा 500 रुपया। और आप चाहे तो महेश्वर में भी रुक सकते हो, या फिर महेश्वर से आप शाम की बस पकड़ के उज्जैन जा सकते हो और उज्जैन में रुक सकते हो। तो होटल का भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपका, तो होटल का फिर से आपका जाएगा 800 रुपया। तो ये डे 3 का पूरा खर्चा है। तो अभी जो आप सामने देख रहे हो ये आपका डे वाइज खर्चा है, डे 1 डे 2 डे 3, और टोटल आपका पूरा खर्चा है। अगर आप दो लोग रहते हो तो आपका होटल का और ट्रांसपोर्ट का शेयर हो जाएगा, इवन फूड का भी थोड़ा शेयर हो जाएगा। अगर आप खुद की गाड़ी से घूमते हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा जाएगा, और आपका फूड का और होटल का तो खर्चा वही रहने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग और महेश्वर के बारे में, वो आपको पसंद आया होगी, काफ़ी आपको हेल्प हुआ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।